इस देश के नागरिक जितने स्वस्थ होंगे उस देश की प्रगति की गति भी तेज होगी। इस सोच के साथ अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और पांचवा, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। भारत अब हेल्थ सेक्टर को होलिस्टिक हेल्थ केयर की नजर से देखता है। आज इस कार्यक्रम में इन 5 स्तंभों की मजबूत झलक दिखाई देती है। अभी यहां लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण, दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती है। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रहे हैं। और मेरे लिए ये राजनीतिक पहलू से मैं बोल नहीं रहा हूं, भीतर एक दर्द होता है कि जिस दिल्ली से मैं बोल रहा हूं दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे, मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा।